गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 20 ऑफ माइंगेस रीडर बुक ए पिकनिक। देर आर सम न्यू वर्ड्स ऑफ द लेसन। दोज न्यू वर्ड्स आर पिकनिक, म्यूजिकल, बोट्स, होल, ब्रेव। Children, do you know what is the meaning of picnic? Of course, you must be knowing. आप सब पिकनिक मनाते हो, घर में भी घर के दोस्तों के साथ मनाते हो और स्कूल में भी स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हो। आप लोगों को मालूम है ना पिकनिक किसे कहते हैं? हम लोग सब एक दिन रखते हैं जिस दिन अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मन पसंद के जगह पर घूमते हैं साथ साथ और अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और खूब मजा करते हैं, फिर वापस लौटकर घर चले आते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल। म्यूजिकल म्यूजिकल मीन्स म्यूजिक जैसा आवाज, संगीत, संगीत में आवाज को म्यूजिकल कहते हैं। बोट्स, बोट्स मीन्स नौकाएं, नौकाओं को बोट्स कहते हैं। होल, होल मीन्स छेद या छिद्र। ब्रेव, ब्रेव मतलब बलवान, ब्रेव मीन्स बलवान। तो बच्चों, यहाँ हम लोग 5 वर्ड्स का मीनिंग जाने, अब लेसन के बीच में जो आएगा उसका मीनिंग जानेंगे। देखिए, ये पिकनिक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे मज़ेदार चीज़ों का नाम दिया हुआ है। चिल्ड्रेन गो टू अ लेक फॉर पिकनिक। बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे एक नहर के पास जाते हैं पिकनिक के लिए। लेक मीन्स नहर। चिल्ड्रेन बच्चे, आह दिस इज अ म्यूजिकल गार्डन। आह यह एक संगीतमय बगीचा है। गार्डन मीन्स बगीचा या बाग। यह एक संगीतमय बगीचा है। लुक एट दिस, these birds are singing, those are talking। यहाँ पर बच्चे देख करके बोल रहे हैं कि देखो इन चिड़ियाओं को, यहाँ पर जो कुछ चिड़िया है वो गाना गा रही है और वहाँ पर जो कुछ चिड़िया है वो बात कर रही है। यहाँ पे चिड़िया गाना गा रही है और बात कर रही है। स्पैरो, गौरैया को स्पैरो कहते हैं। इस गौरैया कह रही है, पैरट पैरट, सी दीज गर्ल्स, दे आर हैप्पी। स्पैरो पैरट से कह रही है कि इन लड़कियों को देखो, ये बहुत खुश है। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये स्पैरो है और ये तोता से बोल रही है। स्पैरो पैरट से बोल रही है। पैरट, दोज बॉयज गो टू द लेक, दे सिट इन दोज येलो बोट्स। पैरट कह रही है कि वे लड़के नहर के पास गए हैं और नौकाओं पर बैठे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं लड़कों को, ये येलो बोट्स पर बैठे हैं, इसी के बारे में पैरट कह रही थी। स्पैरो, दीज गर्ल्स हैव बैलून्स, द बैलून्स आर बिग। स्पैरो कह रही है, गौरैया कह रही है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं इनके पास बैलून्स है, बैलून्स गुब्बारे हैं और वे गुब्बारे बहुत बड़े बड़े हैं। अब हम लोग
इस पिक्चर को भी देख लिया ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर? स्पैरो है, यहाँ पैरट है, और उसके बाद अब हम लोग ये वाले पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्रो है, बैलून्स है, पैरट है, स्पैरो है, बॉयज हैं येलो बोर्ड्स पर। देखते हैं, पैरोट लुक एट दिस क्रोज दे प्रिक द बैलून्स। पैरोट कहती है कि इन कौआओं की तरफ देखो, कौआ बैलून्स पे अपना चोंच मार दे रहे हैं। स्पैरो ओह दीज गर्ल्स आर सैड, तो स्पैरो कहती है कि आह ये लड़कियां उदास हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। पैरोट लुक एट दीज बोट्स, पैरोट कहती है कि इन बोट्स के तरफ देखो, दोज येलो बोट्स हैव होल्स, द वॉटर इज इन साइड द बोट्स, दोज बॉयज शाउट फॉर हेल्प। पैरट बोल रही है कि बोट्स के तरफ देखो, वे येलो बोट्स उसमें छेद था और छेद से पानी नौकाओं के अंदर घुस गया। दोज बॉयज शाउट फॉर हेल्प, और जितने भी बॉयज हैं वो चिल्लाने लगे हेल्प हेल्प, वो मदद के लिए गुहार लगाने लगे। उसके बाद क्या होता है देखिए। स्पैरो दीज गर्ल्स रन टू द लेक दे हैव ए रोप, जितनी लड़कियां हैं वो सब उसकी आवाज सुनी और रस्सी लेकर के दौड़ गई उन लोगों को बचाने के लिए। पैरोट दोज टू बॉयज स्विम, तो तोता कहती है वे दो लड़के तैर सकते हैं। स्पैरो गौरैया कहती है दोज बॉयज होल्ड द रोप द गर्ल्स पुल आउट द टू बॉयज विद द हेल्प ऑफ द रोप, नाउ दे आर आउट ऑफ द लेक, द गर्ल्स आर ब्रेव। लड़कियां क्या करती है, रोप को फेंकती है, जब रोप को फेंकती है तो बॉयज जो है पकड़ लेते हैं रोप को, और ये दोनों लड़कियां मिलकर रस्सा खींचती है। जब रस्सा खींचती है तो वो दोनों लड़के बाहर आ जाते हैं, लेक से बाहर निकल गए। द गर्ल्स आर ब्रेव, ऐसा स्पैरो कह रही है कि लड़कियां बहुत बलशाली है, इसने लड़कों को खींचकर निकाल दिया। पैरोट पैरोट क्या कहती है, द बॉयज आर हैप्पी, पैरोट कहती है कि अब लड़के खुश हो गए, अब लड़के खुश हो गए। तो ये हम लोग चैप्टर खत्म कर लिए। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया? आप लोग पिक्चर से भी इस लेसन को समझ सकते हैं, पिक्चर में बहुत कुछ दिया हुआ है। और ये एक पैरोट और स्पैरो आपस में बात कर रही है, उसे ये पिकनिक चैप्टर खत्म हो गया। वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर ओरली देना है। ए वेयर डू चिल्ड्रेन गो फॉर अ पिकनिक, चिल्ड्रेन पिकनिक के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग सेकंड लाइन में पढ़े थे कि चिल्ड्रेन गो टू अ लेक फॉर अ पिकनिक, तो इसका आंसर होगा बच्चे नहर के पास पिकनिक के लिए जाते हैं। चिल्ड्रेन गो टू अ लेक फॉर अ पिकनिक, चिल्ड्रेन गो टू अ लेक
फॉर ए पिकनिक. इसका आंसर जान गए अब भी है हु सिट इन येलो बोट्स. पीले नौकाओं में कौन बैठे थे? द बॉयज सिट इन येलो बोट्स. द बॉयज सिट इन येलो बोट्स. इसका भी आंसर हम लोग बता दिए. अब थर्ड पे आते हैं. सी हु प्रिक द बैलून्स. बैलून्स में चोंच किसने मारा? हु प्रिक द बैलून्स. पैरोट और स्पैरो के अलावा कौआ भी इस लेसन में आया था. क्रो भी कुछ कर रहा था. तो हु प्रिक द बैलून्स? द क्रोज प्रिक द बैलून्स. क्रोज प्रिक द बैलून्स. ये समझ में आ गया. डी हु शाउट फॉर हेल्प. हु शाउट फॉर हेल्प? द बॉयज शाउट फॉर हेल्प. मदद के लिए किसने चिल्लाया? मदद के लिए लड़कों ने चिल्लाया. हु शाउट फॉर हेल्प? मदद के लिए किसने चिल्लाया? द बॉयज शाउट फॉर हेल्प. मदद के लिए लड़कों ने चिल्लाया. ई हु आर ब्रेव. बलवान कौन थे? बच्चों जब आप पूरा स्टोरी पढ़े तो पैरोट और स्पैरो इसमें कुछ कुछ बोले. उसमें स्पैरो बोली है ना द गर्ल्स आर ब्रेव. सेकंड लास्ट लाइन में है द गर्ल्स आर ब्रेव. तो हु आर ब्रेव? द गर्ल्स आर ब्रेव. समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर. यही आपका होमवर्क है. आप पेज 74 में दिए गए 5 क्वेश्चंस का आंसर बना करके भेजेंगे. यही आपका होमवर्क है. जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा और इस लेसन को 2 बार रीडिंग दीजिएगा. थैंक यू.